हेलो गाइस, मैं हूँ राजीव। आप देख रहे हैं लकी इलेवन चैनल। मैं आपका स्वागत करता हूँ मैं टूटी फूटी टेक एपिसोड नंबर 43 पे। गाइस, टेक एपिसोड में बहुत दिन से गैप दे रहा था, गैप 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 देख देख के वीडियो बना रहा था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था। मैं नहीं बोलूँगा कि एकदम टाइम नहीं था, पर मेरे काम में बहुत सारा बिजी था, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। आज से रेगुलर आपको टेक न्यूज़ मिलता रहेगा। वैसे आप शाम को आज को एक दूसरा वीडियो भी मिला, अच्छा वीडियो है जियो के बारे में, तो आप देख सकते हो। ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा बात नहीं बढ़ा के शुरू करते हैं आज का प्यारा दुलार टेक न्यूज़। तो गाइस, जैसे मैं रोज बोलता हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल में आए तो सब्सक्राइब करके आना। ऐसे ही वीडियो रोज आपको मिलता रहा इसीलिए, और कमेंट्स के बता रहा कौन सा न्यूज सबको अच्छा लगा। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दूसरा अपडेट निकल कहता है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस का जो आज 70 प्रो लॉन्च होने का टाइम था, वो 3 मिनट से मतलब पीछा गया है, जो 7 प्रो से मतलब बिल्कुल ही अलग नहीं है, बराबर सेम ही है। मैकलेन एडिशन इसको बोला जा रहा है, और इसको शायद एंड्रॉयड 10 के साथ लॉन्च होने की आप देख सकते हैं। और जो एंड्रॉयड 10 है, ये फ्लैगशिप डिवाइस होने वाला है वन प्लस की तरफ से 17 प्रो। और इसमें आपको जो नया नया फीचर्स देखने को मिलेगा, प्रोसेसर 850 प्लस है, 730G, क्या देखने मिलेगा वो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। उसमें पॉप सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। आपको क्या वन प्लस का कोई फ़ोन पसंद है, आपके वन प्लस का कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके आपको ज़रूर बताना है। यहाँ पे दूसरा अपडेट निकल के आता है ऑनर की तरफ से। ऑनर का ऑनर विजन प्रो बोल के तो स्मार्ट टीवी लॉन्च हो चुका है इंडिया में, मतलब तक नहीं हुआ है। अक्टूबर की 14 तारीख को लॉन्च होने वाला है। आज है अक्टूबर 10, मतलब 4 दिन बाद ये वाला मॉडल लॉन्च होने वाला है। अगस्त को ये वाला मॉडल जो है चाइना में लॉन्च हो चुका है। आप लोग सभी जानते हैं अभी ऑनर हुआवे का सब ब्रांड है, हुआवे के गूगल से ऊपर पूरा हाथ उठ चुका है। उन लोगों का अपना जो नया OS ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हारमोनी बोल के एक नया OS आया है, जिसमें आप देख सकते हैं नया कुछ फीचर्स ऐड हुआ है। पॉपअप कैमरा हुआ है, उसमें आपको जो वीडियो कॉल करने का ऑप्शन मिले टीवी के थ्रू, और उसमें हारमोनी OS के थ्रू इसमें 818 का क्वाड कोर प्रोसेसर भी इसको देखने को मिल जाएगा। और ये पॉपअप देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो में जूम करके पॉपअप आपको दिख रहा है, और इसमें आपको 55 इंच का 4K डिस्प्ले वाला टीवी भी इसमें मिल जाएगा। आप क्या नया टीवी लेने का अगर सोच रहे हैं, या फिर LG सैमसंग या फिर पैनासोनिक सोनी, ये सब को छोड़ के क्या ऑनर का टीवी ट्राई करना चाहेंगे आप, नीचे कमेंट्स करके आपको ज़रूर बताना है। या फिर दूसरा अपडेट जो निकल के आता है, मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ आपको, सैमसंग गैलेक्सी टैब S6, जिसमें साथ आपको एक PC की तरह कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अलग PC नहीं, लैपटॉप की तरह कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको एक S Pen भी मिल रहा है टैब S6 में, जिसमें 4G का सपोर्ट मिल रहा है, 5G अपडेट होने का भी सपोर्ट है। और इसके साथ वॉच एक्टिव 2 जो है, सैमसंग गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2, उसका भी अपडेट आपको इसमें साथ मिल रहा है। आपका सैमसंग का कोई टैब लेने के बारे में सोच रहे इसी फिलहाल, और नया वॉच लेने के सोच रहे गैलेक्सी वॉच की टाइप को, तो नीचे कमेंट करके आपको जरूर बताना है। या कि 2020 का नया अपडेट निकल के आता है प्लेस्टेशन 5 को लेके, जो प्लेस्टेशन 5 हॉलीडे को निकलने वाला है 1 जनवरी को, ये वाला मॉडल निकल जाएगा। एक्सबॉक्स बोलिए या फिर प्लेस्टेशन 5 बोलिए, कोई भी गेमिंग कंसोल जो हम लोगों के लिए जो गेमिंग के इंटरेस्टिंग रखते हैं मेरी तरह आपके तरह, उन लोगों के लिए प्लेस्टेशन 5 एक जन्नत की तरह चीज़ है, जो 1 जनवरी निकलने वाला है, लॉन्च होने वाला है इंडिया पे। तो आपके इसको लेना पसंद करेंगे कि आपको गेमिंग का शौकीन को और भी एक्सपीरियंसफुल बनाना चाहेंगे, नीचे कमेंट्स करके आपको जरूर बताना है। यहाँ पे दूसरा एक सबसे बड़ा अपडेट निकल गया था रिलायंस जियो की तरफ से। रिलायंस जियो ने अभी चार्ज करना चालू कर दिया हर एक कॉल पे, जो पहले नहीं होता था। एक जो पैकेज होता था 3 महीना 4 महीना 6 महीना 10 महीने का, वो हम अगर रिचार्ज कर लेता तो 1 महीने में कुछ भी हमको चार्ज नहीं करते। अभी से 6 पैसा पर मिनट चार्ज करेगा। इसका ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाया, डिटेल्स में आज ही अपलोड की है, आप जाकर ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। सदा स्क्रीन को टच करके आई बटन टच कर लीजिए, मैं खुद का फेस का वीडियो बना है डिटेल्स में, समझे आप जाकर देख सकते हैं। मैं अभी डिटेल्स में इसका मैं कुछ नहीं बता रहा, उस वीडियो भी आपको डिटेल्स में मिल जाएगा।
यहाँ पे ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एप्पल की दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट अपना वेबसाइट पे डायरेक्ट बेच रहा है, टाई अप कर रहा है। जो एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट का एक्स बॉक्स वायरलेस कंट्रोलर जो है वो डायरेक्ट मतलब अपने वेबसाइट से सेल कर रहा है, मतलब डायरेक्ट पूरा प्रमोशन हो रहा है उन लोगों के अंदर। प्ले स्टेशन डार्क शॉप की 4 भी इसमें मिल रहा है, और इसमें आप जाके देख सकते हैं अपना जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स है वो अपने एप्पल का वेबसाइट में, एप्पल का स्टोर में आपको डायरेक्ट मिल जाए खरीदने को, जिसका प्राइस लगभग आपको $59.95 में होने वाला है, और इसमें एप्पल का वेबसाइट में आपको डायरेक्ट मिलने वाला है। तो आप अगर एप्पल का फैन है, एप्पल छोड़ कुछ नहीं यूज़ करता, तो अभी तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि भाई एप्पल के साथ जो है माइक्रोसॉफ्ट टाई अप कर चुका है, सैमसंग भी टाई अप कर चुका है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। पर अब यहाँ गेमिंग का शौक रहता है तो एक्सबॉक्स आपको चाहिए तो एप्पल के साथ ही इसको कभी खेल सकते हैं। आपको इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे दूसरा सनसनाती हुई न्यूज एक निकल के आता है गूगल पिक्सल 4 के बारे में। हालांकि इसके बारे में बहुत पहले बात कर चुका हूँ, फिर भी इसके साथ जो लीक्स रेंडर है जो खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है। गूगल का पिक्सल का 4 का जो केस बनाने का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन लोगों ने बोला कि गूगल का जो पिक्सल 4 का वेरियंट है 7 कलर में निकलने वाला है। यहाँ पे जो बैक कवर दिख रहे हैं आपके सामने, ये 7 कलर में आने वाला है। हालांकि फोन भी ये 7 कलर में ही आने वाला है, तो ये जो लीक से कुछ आपके सामने दिखा दिया। हालांकि फोन लॉन्च होने वाला 15 अक्टूबर को, आपको 5 दिन रुकना पड़ेगा इसके बारे में डिटेल्स में अपडेट लेने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या गूगल का फोन पसंद है? गूगल का फोन मुझे जो पर्सनली पसंद है वो है आपका गूगल का नाइट मोड वाला कैमरा, जो अभी सैमसंग नोट 10 प्लस में काफ़ी इम्प्रूव कर चुका है उनको कंपेरिजन में भी, गूगल पिक्सल 3 एक्सल के कंपेरिजन में। पिक्सल 4 तो मैंने अभी तक नहीं देखा है, शायद आप लोग भी नहीं देखा है, तो आपका लगता है गूगल पिक्सल 4 के बारे में नीचे कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। यहाँ पे गाइस आप अगर सेल अभी भी चाहते हैं फ्लिपकार्ट की और अमेजन की सेल के बाद भी, अभी पूजा के बाद भी, तो वीवो वालों ने भी ऑफर दिया है ग्रेट दिवाली फेस सेल बोल के कुछ ऐसा, जिसमें वीवो का Z1 Pro, वीवो का U10, वीवो का Z1 X पे ऑफर मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। 15 अक्टूबर तक मिलेगा, आज 10 तारीख के 5 दिन तक ये ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। 5 दिन के अगर मंदिर चाहते हैं तो ये वीवो का ये वाला फ़ोन खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से Z1 Pro अच्छा फ़ोन है, U10 या Z1 X उतना अच्छा खास मुझे नहीं लगता, आपका लगता है तो आपका मर्जी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसमें आपको 11,000 तक डिस्काउंट मिलने वाला है, तो आप जाके अवेल कर सकते हैं वीवो का ऑनलाइन स्टोर से, तो आपका इलेक्ट्रिक कमेंट करके जरूर बताना है। यहाँ पर दूसरा अपडेट कुछ हटके है निकॉन कैमरा के बारे में। आप लोग सारे DSLR यूज ही करते हैं, तो अभी निकॉन की तरफ से एक नया अपडेट निकल के आया है, निकॉन Z50 जो लॉन्च होने वाला ही है, जो फर्स्ट कोई कैमरा हो जिसमें APS माइक्रोलेंस कैमरा सपोर्ट होगा। उसमें 20.9 मेगापिक्सल का सेंसर लगा हुआ कैमरा पे 4K वीडियो जो होगा आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्राइस थोड़ा हटके इसमें $860 इसमें बोला गया है। नवंबर की तारीख नहीं, कुछ फिक्स नहीं है, नवंबर मंथ में ये लॉन्च होने वाला है। आप क्या कुछ DSLR लेना चाहते हैं, या फिर निकॉन बोले, या फिर आपका सोनी बोले, या फिर आपका कैनन बोले, कोई भी है, तो आपको जो कि वाला मॉडल कैसा लगा नीचे कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। यहाँ पे दूसरा अपडेट निकल गया था पैनासोनिक की तरफ से। पैनासोनिक ने कुछ हंगामा टाइप का चीज कर दिया है। पैनासोनिक में इसका लुमिक्स S1H वाला मॉडल है, जो इंडिया में फर्स्ट जो है 6K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ लॉन्च हो रहा है। मतलब गजब 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 का बात है, इसमें एक्यूरेसी भी उतना ही काफी अच्छा है, ऐसा पैनासोनिक वालों ने बोला है कि भाई 6K वीडियो रिकॉर्डिंग हम करेंगे, उसके साथ जो होगा उसमें जो एक्यूरेसी होगा, जो आपको सेंसर साइज होगा बहुत ही गजब का है, बहुत ही अच्छा पिक्चर क्वालिटी आपको मिलेगा। इसका प्राइस भी हम गजब का लेंगे, जिसका बॉडी का प्राइस है 3,19,000 ऐसा कुछ प्राइस दिया गया है। आप अगर कुछ ऐसा प्रोफेशनल टाइप का कैमरा या DSLR कुछ खरीदना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये वाला पैनासोनिक लुमिक्स वाला मॉडल आपको कैसा लगा है। यहाँ पे दूसरा अपडेट निकल के आता है नोकिया की तरफ से। नोकिया का कुछ प्राइस कट वाला डिस्काउंट ऑफर यहाँ पे देख सकते हैं। नोकिया का 2.2, 3.2 जो इंडिया पे प्राइस कट पे बिक रहा है, स्टार्टिंग प्राइस होगा 6599 वाला। 3.2 का जो प्राइस कट 5500 रुपीज़ हुआ है, 2.2 का जो प्राइस कट है 1100 रुपीज़ हुआ है। यहाँ पे 3.2 का 3GB वाला वेरियंट जो है आपको मिल जाएगा 8499, जो इसका प्राइस है 9000 रुपया। और इसमें नोकिया 2.2 का जो प्राइस होगा फ्लिपकार्ट के साथ
थी आपको सेल प्राइस में आपको मिल रहा है, दोनों फ़ोन ही आपको ब्लैक और स्टील कलर ऑप्शन में मिल जाएगा। हालांकि फ़ोन थोड़ा पुराना, ये जून महीने का फ़ोन है, अभी जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर अक्टूबर मतलब 4-5 महीना पुराना हो गया ये वाला फ़ोन। आपका प्राइस कार्ट में इसका फ़ोन लेना चाहेंगे या नोकिया दूसरा ब्रांड इसी प्राइस में लेना चाहेंगे, नीचे कमेंट्स करके आपको ज़रूर बताना है। यहाँ पे लास्ट अपडेट निकल के आता है सबसे मतलब गजब का फोन, जो ओप्पो का K564 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप के साथ इंडिया का थर्ड फोन जो लॉन्च होने वाला है। पहला था आपका रियलमी का फोन, दूसरा था सैमसंग का फोन सैमसंग A70s, तीसरा जो फोन है ये ओप्पो K5 लॉन्च होने वाला है। हालांकि रेडमी का नोट 8 प्रो अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की, तो इंडिया का थर्ड जो क्वाड कैमरा 64 मेगापिक्सल कैमरा के साथ लॉन्च होने वाला है Snapdragon 730G के साथ, मतलब बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, 8 नैनोमीटर का प्रोसेसर है और इसका प्राइस जो चाइना के हिसाब से 1899 yuan इंडिया के प्राइस के अंदर 19,000 प्राइस लगभग आ जाएगा। 6GB 120 में आने वाला है, 8GB 256 में आपको देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर के 17 तारीख तक ये वाला फ़ोन आपको इंडिया में ऑनलाइन मार्केट में सेल करते हुए नजर आ जाएगा। 6.4 इंच का सुपर एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले होगा, हालांकि इसमें डिस्प्ले फिंगरप्रिंट शायद आपको देखने को मिल जाएगा और ये वाला फ़ोन जो होगा 32 मेगा सेल्फी कैमरा के साथ आएगा। 3920 mAh का बैटरी जैसा लगा, हालांकि सुपर एमोलेड होगा तो ये बैटरी काफ़ी अच्छा है, अगर एमोलेड नहीं होगा तो बैटरी थोड़ा बेकार है। आपको क्या लगता है इसी ओप्पो K5 के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और भाई आज का वीडियो ये जो खत्म होता है, और आपको अगर अभी तक देख रहे थे वीडियो शायद आपको ज़रूर अच्छा लगा, टेक न्यूज़ ज़रूर अच्छा लगा, और नीचे कमेंट करके बताना कौन सा न्यूज़ आपको अच्छा लगा। वीडियो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यार बढ़ सकते हुए, और चैनल में नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे वीडियो आपको रोज़ाना मिलता रहे इसीलिए। तो भाई थोड़ा मेरे साथ जोर से बोलिए, सुर मिला के ताल मिला के बोलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।